हाँ दोस्तों, हम एशिया टेलीकॉम मिलन एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट कॉल फॉर एडमिशन। बहुत बढ़िया फेयरवेल चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर फेयरवेल चल रहा है, पकड़े दो। देखो लाइव आ गए, देखो मुझे देखो लाइव आ गए। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है और आप एशिया टेलीकॉम, थोड़ी सी आवाज़ कम करो, थोड़ी सी आवाज़ कम करो और अभी अभी और थोड़ी कम कर दो, और कम कर दो। हाँ, तो ये एशिया टेलीकॉम का 28 सितंबर का बैच और 28 अगस्त का बैच और ये हो रहा है फेयरवेल आज, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप फेसबुक में अभी हमारे लाइव और इसके साथ में एक वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे, तो आ जाइए यहाँ पर ऐसे बी शेप में आ जाओ, बी शेप में ऐसे आ जाओ, बी शेप में आ जाओ, बी शेप में आ जाओ, बी शेप करवा दो, बी शेप थोड़ा और साइड, थोड़ा और साइड ऐसे और तो यहाँ पर हमारा 28 सितंबर का बैच है और अभी हम सिर्फ एक ही जन को मिस कर रहे हैं और वो है फिरोज सर, क्योंकि फिरोज सर हमारे बीच में नहीं है अभी, वो किसी कारण अपने घर गए हुए हैं और उनको उनके जो अभी उनका जो हुआ था अभी बच्चा और एक्सीडेंटल की वजह से वो गिर गया था, तो उनके सर पे काफ़ी चोट आई थी और हम सब यही दुआ करते हैं कि उनके बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए और जल्दी वो वापस वही किलकारियाँ करने लगे। और अभी मैंने हालांकि उनसे पूछा था, अभी वो आईसीयू से निकलकर जनरल वार्ड में आ गए हैं, पर फिर भी आप ये मान के चलो एक महीने का बच्चा जो कि बता भी नहीं सकता है और फ्रैक्चर है जिसके सर में, तो सोचिए उनकी क्या हालत होगी। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी जो देख रहे हैं इसको कि दिल से दुआ कीजिए फिरोज सर के बच्चे के लिए, ताकि उनका बच्चा जल्दी से ठीक हो। और ये दुआ हमारी तब से भी है, हमारी तब से भी, क्योंकि फिरोज सर ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया है यहाँ पर। फिरोज सर के लिए क्या कहना चाहते हो? सर, फिरोज सर बहुत बढ़िया है, फिरोज सर ने हमें आईसी को पूरी एक चीज़ के बारे में सिखाया है, फिरोज सर बहुत बेस्ट है सर। तो फिरोज सर अभी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला हमारे साथ में मिलन सर और हमारे साथ में दुर्गेश सर। सो यहाँ पर हमारे साथ ईएमसी का बैच भी है और हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बैच है और इसके साथ में हम केक काटेंगे यहाँ पर। और केक काटने से पहले यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ जिनका थोड़ा मुझे लगा है इंटरली की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क हुआ है, ताकि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जज करें कि कभी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम किस तरीके से और वर्क कर सकते हैं, दूसरे से कितना सीख सकते हैं। सिर्फ अगर हमें जो मिल रहा है अगर हम या तो वो ले लीजिए या तो उससे ज़्यादा ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा एक इमाम, हमारे स्टूडेंट है इमाम, आइए तो यहाँ पे इमाम, और एक टी शर्ट लेके आओ जरा एम साइज। तो यहाँ पे हमारे ये स्टूडेंट हैं, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं देखना चाहता हूँ एक एज अ स्टूडेंट में एक आउटपुट वर्क, वो मुझे इनमें बहुत अच्छे से दिखाई दिया। हमेशा ये इन्होंने भर के, मतलब जो चीज़ें इनको सिखाई नहीं गई हैं उसके बाद भी इन्होंने ट्रेसिंग को, मतलब जो मैं ये चाहता था कि आप ट्रेसिंग सीखिए और ट्रेसिंग से जितने सर्किट हम समझा रहे हैं उस सर्किट से ज़्यादा आप सर्किट को बनाइए और कीजिए, तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है इमाम ने। और मेरे को हमेशा फेसबुक में अपडेट करते हैं इमाम और मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली जब मैं इनको देखता हूँ, तो मुझे अपनी याद आती है कि किस तरीके से एक इंटरेस्ट के साथ में ये काम करना है। तो ये एशिया टेलीकॉम की तरफ से इमाम को एक एशिया टेलीकॉम की टी शर्ट यहाँ पर, इनके लिए क्लैप हो जाए ज़रा। तो मेहनत की है इन्होंने और ये मेहनत का फल है कि जो यहाँ पर लेके जा रहे हैं। और इसके साथ में एक और टी शर्ट लेके आई है यहाँ पर, ये हमारे ये स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश से और ये है शिवराज, ऑलरेडी काफ़ी 5 साल से काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से यहाँ पर आए। अब इनको लगता है, अब कैसा लगता है कि हार्डवेयर भी 5 साल से कर रहे होंगे? एक भी काम, मतलब 100% काम कर रहे हैं सर यहाँ से। अच्छा, इन्होंने भी आपने देखा होगा यूट्यूब में, मैंने इनके काफ़ी पोस्ट किए हैं शेयर की, इन्होंने एक अपने एक्स्ट्रा टाइम में, जबकि मैंने क्या हुआ था दोस्तों कि हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होने के बीच में एक दिन का गैप था, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। मैंने इनसे कहा था, इन्होंने पूछा था सर मैं एक दिन क्या करें, हमने कहा था कि आप चले जाओ घूमने चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है मैं पर्सनली अगर उनसे बोलूँ कि नहीं तुम बैठो और मेहनत करो तो वो कोई नहीं करता है। तो मैंने इनसे बोला कि नहीं तुम जाओ और भेड़ाघाट घूम लो या कहीं घूम लो, तो इन्होंने बोला नहीं सर मैं तो एक दिन पूरा यहाँ पर बैठ के अपना प्रैक्टिकल मेहनत करूँगा। और लैब में बैठ के इन्होंने अपने फ़ोन का Y1 का, रेडमी का, नौ बॉल का लाइट, इवन पहले उसको तो चालू किया एक डेड सेट को, एक ब्लू डिस्प्ले को उन्होंने चालू किया, CPU को रिहॉट करके उन्होंने CPU को हल्का सा हिलाया, उसके बाद में CPU रिवॉल्व किया, फिर उन्होंने लाइट को भी निकाला, नौ बॉल का लाइट निकालने के बाद सीधे लगाया नहीं, पूरा उसका सर्किट ड्रॉ किया और सर्किट ड्रॉ करके इवन उसका सर्किट बनाया। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक इनके लिए क्लैप हो जाए सब लोग की तरफ से।
और थोड़ा अच्छे से बजा लीजिए यार। ये ईस्टर टेलीकॉम की तरफ से आपको टी शर्ट और ये हमारी इंडिया नंबर वन EMC ट्रेनिंग एशिया टेलीकॉम, जो कि यहाँ पर क्या लगता है आपको, है कि नहीं है? बिल्कुल है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर इसके साथ में एक और स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा, सद्दाम आ जाइए। कुछ गलतियाँ जिंदगी में सबसे होती हैं, अगर आप, मैं बोलता हूँ कितना भी नॉलेज हो, एक हम एज अ सीनियर, हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियों को, और डायरेक्टली मैं लाइव में एक्सेप्ट करता हूँ, कोई इसमें बात नहीं, क्योंकि अगर मैं गलती एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं उसको सुधार नहीं पाऊँगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है इस दुनिया में, हमेशा परफेक्ट बनना पड़ता है। ये देखिए कि आप और एक टीचर में कितना अंतर है। आप सोचिए कि टीचर कितने बजे सो रहा है और आप देखिए कि आप कितने बजे सो रहे हैं, वो मेहनत को जज कीजिए कि एक टीचर इतना लेवल पे जाने के बाद भी रात में मेहनत कर रहा है, अपने आप को और प्रिपेयर कर रहा है कि आगे और बढ़िया बता सके। तो एज अ बीइंग स्टूडेंट, अगर हम सोचते हैं कि हम कोई इंटरेस्ट ना लें, हम कहीं पे कुछ करें ना, या आगे देखो दोस्तों, इंटरेस्ट सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं जो चीज़ बताई जा रही है उसी टाइम पे काम करना है, इंटरेस्ट तो बहुत सारी नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेसबुक अकाउंट है तो मैं अपने फेसबुक को भर दूंगा एक महीने में, मेरा ट्विटर अकाउंट है, या मेरे पास आज कोई सा भी मेरी एक फ़ोटो भी अगर मैं खींचूंगा ना, तो अपने नॉलेज से लेकर, तो क्योंकि अगर आप उस नॉलेज से अलावा भी अगर आप रखेंगे ना, तो दो नाव की सवारी हो जाएगी जो ज़िंदगी में कोई भी नहीं कर सकता है। सो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले एक फील्ड में बापू बन जाओ, फिर उसके बाद में तो 10 फील्ड पकड़ सकते हैं। तो सद्दाम के साथ में यहाँ पे सद्दाम हुसैन, कहाँ से हैं सद्दाम आप? सूरत जो गुजरात है, गुजरात सूरत से हैं। यहाँ पर इनको मैं एक टी शर्ट अपनी एशिया टेलीकॉम की देना चाहता हूँ यहाँ पर, और ये इस कारण कि ये आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करें, एक ताली बजा दो यार, बहुत अच्छा काम करें और अच्छा काम करके ये आगे बढ़े, मैं इसलिए चाहता था। एक टी शर्ट में ये हमारे अभय, कहाँ है अभय? मैं इनके लिए लेके आया था और मैं भूल गया, तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो टी शर्ट तो इनको मिल ही जाएगी, EMC कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा है, कौन सी फोटो? तो अच्छा, फोटो खिंचा देते हैं एक EMC के साथ इनकी फ़ोटो, जो इन्होंने आगे बढ़कर सारा काम किया हुआ है। इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि लैपटॉप देने की बात हो या हर चीज़ में, मैंने एक नोटिस की है, मैं कभी भी आता था कि हमेशा मेरा चार्जर लेकर पहले मेरा लैपटॉप सेट करता था, कि ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। इनको बोला नहीं गया, मैंने कभी नहीं बोला कि तुम ये लैपटॉप लगा दो मेरा, ये लगा दो मेरा, टीवी ऑन कर दो, चलो ठीक है क्लास रेडी करते हैं। ये चाहते हैं कि सर कैसे करके क्लास चालू हो जाए, तो ये ना सोच के कि सर आएंगे और अपना काम कर ही लेंगे, तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो इनके लिए जोड़ा तालियां फिर से हो जाए यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे मेरे और दोगे सर के बारे में अभी तो फिलहाल, फिर मिलन सर के बारे में तो आप कहेंगे ही जब आप EMC करेंगे। बिल्कुल सर, तो मैंने सोच क्या था उससे कई ज़्यादा कई गुना मेरे को मिला, और मैं सर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है सर। बाकी आप इधर आके प्रैक्टिकली आप देख लेंगे कैसा इधर काम है कैसा नहीं है, तो सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, थैंक यू। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा है जिसको कोई गाना आता है या कुछ ये है ना सर? कौन है? जॉनी सिंह। कौन जॉनी? जॉनी सिंह है ना सर। कोई एक गाना आ जाओ अगर आप बोलना चाहते हैं कुछ हमारे स्टूडेंट के सामने और कुछ व्यूअर के सामने, ये याद करते हैं सभी दोस्तों के लिए। एक मिनट, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे कुछ दे के जाएंगे, लेके जाएंगे कुछ दे के जाएंगे, अपना बनाएंगे किसी के होके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये चश्मा लगा है इसलिए क्योंकि इनकी एक आँख में प्रॉब्लम है, मैं बता दूँ यहाँ हमारे जो गुरुजन है उनके लिए मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ, याद तो नहीं कर पैसे लिख के लाए। जानवर से इंसान में जो भेद बताए वही सच्चा गुरु कहलाए, जीवन के पथ पर जो चलना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, जो धैर्यता का पाठ पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए, संकट में जो हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, पग पग पर परछाई जैसे जो साथ रहे वही सच्चा गुरु कहलाए, जिसे देखकर सर बार बार उनके आदर में झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। और मैं
मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इन्हें EMC का बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हमने वीडियो बनाया हुआ है, ये दो दिन के अंदर वो वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप इनका खुद देख लीजिएगा क्या आउटपुट है इसके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर केक काटते हैं और उसके साथ में गाना। मिलन सर कहाँ है? मिलन सर आ जाओ। अच्छा गाना चालू कर दो थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक मिलन सर के साथ और एक हम लोग यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ पे आओ। पहले एक एक पीस काट लो, उसके बाद में पहले सर्टिफिकेट कर लेंगे, फिर बाद में एक एक आराम से खाएंगे, ठीक है? जब एक एक पीस काट, चलिए काटी काटी ये फेयरवेल है, ये याद रहेगा हमारा कि एक महीना हमने जबरदस्त मेहनत की है यहाँ पर, और ज़िंदगी में सिर्फ उत्साह रखना है, पॉजिटिव रहना है, हर पल कठिनाइयाँ है, हर पल कहीं ना कहीं ऐसा दौर है कि जहाँ हमको लगता है कि काम नहीं बनेगा, पर अगर उसी पल में अगर हम संभल जाएंगे तो आप समझिए बहुत बढ़िया है। कैसा आ रहा है इसमें ब्लर? चालू कर दे सर कि रुक। हाँ चालू कर, पकड़ो यार सीरियस काम अपना ले। तुम्हें नहीं काम करो, तुम यहाँ रहो। हाँ ठीक है, कभी तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें यहाँ से ना। ए सेव सेव, इसको पकड़, लाई गाना शुरू हुआ है, पकड़ो अपना। मुझे इसको पकड़िए अपना, उठे। अरे सर्टिफिकेट अपना ले, नहीं पकड़िए। सब लोग सर्टिफिकेट लेके सामने ले आएगा, सामने से क्या पूरा दिखा, पूरा पैसा ऐसा पैसा पकड़ो भाई। सोनू अरे इसको दो सेकंड छोड़ो भाई, थोड़ा रिकॉर्डिंग करते रहो, रिकॉर्डिंग करते रहो भाई। भाई भाई रिकॉर्डिंग करो ना, पकड़े ना दोनों। अरे यार
यस सर पकड़िए तुम। अरुणपाल अजीरो बैठ के कमल नंबर 3 के लेकर ज्यादा मत अपना नहीं डाला अभी सर, वीडियो भी लेना है क्या? वीडियो भी इसको डालना भाई अंदर ना फोटो नहीं खींचा। अरे अभी तो डाल भाई, मेरा डाल पूरा मेरा। भाई सर का फोन है, ये लाइव जाओ। Thank you.
लाइव चल रहा है तो बिल्कुल मैं मार्केट डाल ले जाता हूँ। मैं नहीं आया ना लाइफ वाला मोबाइल। अच्छा आ जाओ। अरे ईएमसी वाले को भी जाना है, सब लोग को जाना है। सर आगे आगे पीछे पीछे उसे लाभ की हाइट के हिसाब से हाँ दोस्तों, हम देवेंद्र अग्रवाल और मिलन। तो क्या चल रहा है मिलन? बहुत बढ़िया सर, फेयरवेल। बहुत बढ़िया फेयरवेल चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर फेयरवेल चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए कैसा करें मैं इसको, कैसा पलटा है चलिए। ये भी पकड़ो। ठीक है, वेरी गुड। चलो पीछे की लाइन, तीन लाइन ही होनी चाहिए। दो लाइन कर लो। चंदन, वेरी गुड। पीछे वाले आप लोग सर्टिफिकेट को कर लो।
ऐसे आ जाओ, ऐसे आओ। चलिए सामने देखिए, ठीक है, 1 2 3 पढ़ करेंगे, 1 2 3 वेरी गुड। एक और हो सके तो कर लो, अकरम आधा बटन दबाना है। कौन सा वाला? ये वाला दे, दबा आधा बटन, ये वाला हाँ, दबा आधा बटन, ठीक है, ऐसा दबाना है, क्लियर है? हाँ। उसके बाद मैं जब बोलूँ तब क्या करना, इसको यहाँ घुमा देना, देख ऐसा, ठीक है, घुमाना, हाँ ऐसा ही घुमाना है। एक मिनट, और ये दबा देना, तो ऐसा लाल चालू हो जाएगा, तब मेरे को पता सर लाल चालू हो जाएगा, ठीक है, कैसे बताओ? इसको ऐसा कर दिया और ये वाला लाल चालू, लाल चालू कर दिया, ठीक है, हाँ, फिर ये बंद कर देना जब मैं बोलूँ, हाँ, अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू जाती है, हाँ, अब फोटो खींचना है ना, तो खींचो, चालू करूं? लाल चालू, चालू हो गया, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक
जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है और उसको आपने परचेस किया होगा, दोस्तों उसको परचेस कीजिए। इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो करके बना रहा था, अच्छा नंबर बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने को भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा आया हमको
कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ। तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ कि इसके अंदर, हाँ। एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल, कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.